नगर परिषद के संबंधित अधिकारी चेयरमैन के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, तब आनन फानन में तुरंत खोल दिया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही फिर दोबारा बंद कर दिया गया। भाजपा के पदाधिकारियों ने, चेयरमैन ने, इन्होंने देशद्रोह की शिकायत दी है, मुकदमा विभिन्न धाराओं में लगवाया है। महिलाओं के सम्मान की आवाज़ अगर उठाना देशद्रोह है तो हम देशद्रोह ये बार बार करते रहेंगे। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को और सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। लापरवाही मिलती है, मैं खुद जाकर के भी देखूंगी, अगर सफाई के मामले में जरा भी लगेगा कि साफ नहीं है, मतलब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी में शौचालयों की बदहाली को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कथित अभद्र टिप्पणी लिखे पोस्टर लगाकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की माने तो महज अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिला सम्मान के लिए आवाज उठाना देशद्रोह है, तो ऐसा देशद्रोह बार बार करेंगे। मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको FIR की कॉपी नहीं मिली है। जिला सचिवालय भी पहुंचे, SP से भी मिलना चाहा, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर बता दें कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जैसे पदों की गरिमा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी नागरिकों की बनती है। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा भी है, क्योंकि शौचालय पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाकर प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा जरूर कर दिया गया, लेकिन शौचालय की बदहाली के जिम्मेदारों के खिलाफ कब मुकदमा दर्ज होगा, यह भी शहर के लोग पूछना चाहते हैं। ये 8-9 महीने पहले शहर में के बाराजारी में शौचालय बनाया गया था, पब्लिक टॉयलेट, उसको 6-7 महीने नहीं खोला गया। इसके अलावा पूरे शहर की शौचालय की समस्याओं को लेकर हम काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन प्रदर्शन दे रहे हैं। तो इसके लिए 7-8 महीने तक जब नहीं खोला टॉयलेट तो हमने प्रदर्शन किया था, और नगर परिषद के संबंधित अधिकारी चेयरमैन के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, तब आनन फानन में तुरंत खोल दिया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही फिर दोबारा बंद कर दिया गया। तो उसके बाद फिर 20-25 दिन बंद रहा, तो बाजार वाले लोगों ने फिर कहा, तो हमने फिर दोबारा प्रदर्शन किया, तो उसके अंदर बैनर वगैरह लगाए, तो भाजपा के पदाधिकारियों ने, चेयरमैन ने, इन्होंने देशद्रोह की शिकायत दी है, मुकदमा विभिन्न धाराओं में लगवाया है, और हम जब FIR की कॉपी मांगने जा रहे हैं, हमारे साथी संबंधित लीगल सेल वाले जो भी साथी जा रहे हैं उनको FIR नहीं दी जा रही है। लगभग 5-6 दिन से हम हरेसमेंट हो रहे हैं, सारे साथी परेशानी में मानसिक तनाव झेल रहे हैं। तो आज हम SP साहब के पास आए हैं और हम FIR की कॉपी मांगेंगे। इसके अलावा चेयरमैन साहिबा को और भाजपा के पदाधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर महिलाओं के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए किसी जगह टॉयलेट के ताले खुले हैं, बंद है, किसी जगह गेट टूटे हुए महिलाओं के शौचालय पर, इसी तरह साफ सफाई नहीं हो रही, अगर उनके हक की आवाज़, महिलाओं के सम्मान की आवाज़ अगर उठाना देशद्रोह है, तो हम देशद्रोह ये बार बार करते रहेंगे, आपकी धमकियों से डरेंगे नहीं, और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, और कानून का सम्मान करते हैं, कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी, न्यायपालिका पे भरोसा, जो भी होगा हम उसका सम्मान करेंगे। आज हम SP साहब के पास आए हैं कि हमें FIR की कॉपी दी जाए, या अगर हमारे पास कोई केस दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है तो हमें क्लियर लिख के दिया जाए कि कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। और स्थानीय दुकानदार भी परेशान हैं, उनको भी लपेटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को लपेटा जा रहा है। ये कहा गया कि गलत न्यूज़ फैलाई, अब शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के खिलाफ, इस तरह की बातें हैं उसमें, क्या आप शब्द का प्रयोग कर दिया? प्रधानमंत्री जी खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है और पूरा देश में एक राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन चलाया हुआ उन्होंने, जगह जगह ब्लॉक पड़े हैं सार्वजनिक शौचालय, बदबू इतनी आ रही है, ब्लॉक पड़े लेडीज टॉयलेट पे, गेट नहीं लगे हुए हैं, बाजार में महिलाओं को शौच के लिए लज्जा भंग होती है, उनको शर्मसार होना पड़ता है, उनके हक की आवाज़ उठाई है। हमने प्रधानमंत्री के हवाले से कटाक्ष किया था मात्र कि भाई ये जो, या तो रेवाड़ी वालों अपना नारा वापस ले लूँ क्या, मैं इस तरह से कहा, चेयरमैन साहब के बारे में कहा, अधिकारी मेरी सुनता नहीं, कटाक्ष था खाली। हमारा भावना, हमारा मकसद पब्लिक शौचालय को खुलवाना था, उनकी साफ सफाई की सुनिश्चित करवाना था, ताकि आम जनता को उनका लाभ मिल सके। 8-9 महीने पर लाखों रुपए की लागत से बनाएगा, हजारों लाखों रुपए लगा दिए, और उनके मतलब साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट नहीं है, या गेट नहीं है, या ताले लगा दिए। ताला लगाने का क्या मतलब है बताओ आप, ये जनता की तो आवाज़ है। बिल्कुल डराने के लिए, धमकाने के लिए इनके पास और कोई जवाब नहीं था,
क्या भविष्य में कोई ये भाजपा वाले ये प्रशासन ये चाहता है कि हमारे खिलाफ कोई भविष्य में आवाज़ ना उठाए, एक डर का माहौल पैदा किया जाए और लोकतंत्र में विरोधी विपक्षी पार्टी होने के नाते हमें आवाज़ उठाने का, जनता की आवाज़ उठाने का हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया जा रहा है और FIR की कॉपी नहीं दी जा रही। हम ये चाह रहे कि FIR की कॉपी दो, कॉपी नहीं दे रहे तो भाई ये बताओ कि आपके खिलाफ FIR हुई नहीं है। अभी आप तक को कहां से पता लगा कि मुकदमा दर्ज हुआ, जिस तरह से बता रहे हैं FIR की कॉपी आपको नहीं मिली? सोर्स के थ्रू भी ये मीडिया में भी आ चुका है, प्रिंट मीडिया में भी आ चुका है, अन्य सोर्स से भी, हाँ कभी कहते हैं हो गई, कभी कहते हैं रिसर्च चल रही है, कभी सलाह मशवरा कर रहे हैं, अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। हमारे साथी जा रहे हैं, लीगल सेल के और भी जा रहे हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है और हमें भी इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हम सीधी सीधी दो बात कहते हैं, तीन बात है हमारी सिर्फ, अगर FIR हुई है तो FIR की कॉपी दो, अगर FIR नहीं हुई है तो हमें लिखित में दो, आश्वासन दो, ताकि हमारे हरेसमेंट दूर हो जाए। हमारे साथी दुकानदार साथी परेशान हो रहे हैं, उन मानसिक तनाव झेल रहे हैं। तो ये कहो कि भाई कोई FIR नहीं हुई, कोई आपके खिलाफ केस दर्ज नहीं है, अगर दर्ज है तो हमको गिरफ्तार कर लो, आज मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ। डराने का प्रयास था जिस तरह से वो आपको एक मुकदमा दर्ज करने, बिल्कुल डराने का प्रयास है, ये सिर्फ लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जनहित की आवाज़ को, ताकि भय का माहौल हो जाए, भविष्य में कोई सरकार की कुरीनीतियों के खिलाफ, बदहाली के खिलाफ, कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने का देश और समाज के लिए हमारे कर्तव्य बनता है, उनके जनहित की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, ये हमारा दायित्व बनता है। आज हम SP साहब से मिलेंगे, अगर वो गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तारी दे देंगे भाई, उसको हल करें। हाँ बिल्कुल, अगर FIR दर्ज हुई तो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? हरेसमेंट ना तो FIR की कॉपी दे रहे, ना ये कह रहे कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कभी कह रहे हो गई लेकिन रिसर्च चल रही है। 6 सितंबर से अब तक हमारा इतना मानसिक तनाव झेल रहा, हमारे घर वाले रिश्तेदार परेशान हैं, साथी लोग परेशान हैं, किसी के बच्चे की शादी, वो कह रहे मेरे बच्चे की शादी तो नहीं टूट जाएगी, हैं कोई कह रहे मेरी माँ अकेले में कैसे मुकदमा, देशद्रोह में कितने साल की सजा होगी, मतलब ये देशद्रोह की शिकायतें बताओ। ये मैम शहर के 12,000 में एक शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया गया था, तो कुछ फोटोज भी लगी हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया, लेकिन हालात अभी ज्यादा सुधर नहीं पाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों का काम होता है हमेशा नेगेटिविटी फैलाना, तो इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को और सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, ताकि लोगों को सबक लगे कि भाई ऐसे बेफालतू को बुमर ना फैलाए, क्योंकि शौचालय की सफाई हो रही है और हमारे सभी शौचालय एकदम साफ है, आप जाकर के देखिए, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है, लोक वगैरह के बारे में तो लोक भी खुला रहता है। कुछ शौचालय अभी भी आप एक निरीक्षण करके देंगे तो पता लगेगा, उसके लिए भी कुछ आपको अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपने भाई, ताकि दुरुस्त रखा जा सके? बिल्कुल, हमारे जेई साहब वगैरह ने मतलब लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो देखते हैं जाकर के यहाँ से स्टाफ वाले कि भाई शौचालय बिल्कुल ठीक ठाक हालात में है या नहीं, साफ है नहीं, वो डेली जाते हैं और देखते हैं, बिल्कुल सफाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अगर सफाई के मामले में जरा भी अगर कहीं से कुछ मतलब मिलती है, लापरवाही मिलती है, मैं कुछ जाकर के भी देखूंगी, अगर सफाई के मामले में जरा भी लगेगा कि साफ नहीं है, लापरवाही चल रही है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, आपकी बार मतलब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि बहुत हो गया, आप सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन के नाम पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करना कितना जायज है, वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद मुकदमा दर्ज करना भी कितना उचित है? शहर के लोग इस पर अपना कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें।